सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा टौणी देवी में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को निशुल्क चेकअप के साथ दवाइयां भी वितरित की गई। कैंप में हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर जिला के लोगों ने आकर अपना चेकअप व उपचार करवाया। कैंप में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज बहादुर सहित हृदय मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं देकर जांच करवाने वालों को संबंधित रोगों से बचने के साथ साथ टिप्स भी दिए। कैंप का शुभारंभ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने किया। गौरतलब है कि कैंप में एक्सरे और विभिन्न टेस्टों की निशुल्क सुविधा सर्व कल्याणकारी संस्था की ओर से मुहैया करवाई जाती है। इस अवसर पर राणा ने कहा कि संस्था अब तक 29 मेगा मेडिकल निशुल्क कैंपों का आयोजन कर चुकी है। इसमें पीजीआई के विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित मैक्स हॉस्पिटल, ऑर्थोनोवो हॉस्पिटल के अलावा स्थानीय डॉक्टरों ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि गरीब उपचार करवाने के लिए दिल्ली या फिर पीजीआई तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, इसलिए संस्था द्वारा इस तरह के कैंप अब हमीरपुर में भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को घर द्वार पर ही उपचार और रोगों को डायग्नोज की सुविधा देना ही सर्व कल्याणकारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। राणा ने बताया कि हर साल सुजानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मेगा निशुल्क मेडिकल कैंपों का आयोजन संस्था द्वारा किया जाता है और हर साल 2 से 3 हजार लोग यहां उपचार करवाते हैं। उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों का आभार जताया कि सर्व कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रम में शिरकत कर समाज सेवा के इस पुनीत काम में वे अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। राणा ने कहा कि संस्था गरीब रोगियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया करवाती है और भविष्य में इस तरह के कैंप सुजानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को घर पर ही उपचार की सुविधा मिल सके। एक विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर राज बहादुर जी, जो कि आजकल पंजाब में बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और इससे पहले भी वो पीजीआई में अपनी सेवाएं जो है ऑर्थो डिपार्टमेंट में जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और पति सेक्टर मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में एज ए डायरेक्टर दे चुके हैं। आज उनके नेतृत्व में यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुंची है और सर्व कल्याण संस्था का ये 30वां मेडिकल कैंप आयोजन किया जा रहा है और इसमें ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की टीम आई है। स्पाइन के हैं, स्किन के हैं, गाइनी के हैं, कार्डियोलॉजी के हैं, जनरल मेडिसिन के हैं, तो सारी की सारी जो लोगों की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उससे संबंधित स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम यहां पहुंची है और संस्था ऐसे मेडिकल कैंप का आयोजन लगातार साल में 3-4 मेडिकल कैंप करती है और लोगों की सेवा करती है। उसी कड़ी में जो है आज ये मेडिकल कैंप है और डॉक्टर राज बहादुर जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सुजानपुर में 6वां मेडिकल कैंप जो है वो किया जा रहा है। मुझे खुशी इस बात की कि हमारी संस्था के साथ जुड़े जितने भी स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर सेवा में लगे हैं और पेशेंट लगातार आते जा रहे हैं, हजारों लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे इस क्षेत्र के लोगों को, जो कि डॉक्टर राज बहादुर जैसे या बड़े बड़े डॉक्टर जो चंडीगढ़ में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, ईश्वर से कि ईश्वर उनको आशीर्वाद दे और डॉक्टरों का फायदा लें और लोगों को लाभ मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ऐसे आयोजन जो है संस्था की तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग करते रहते हैं और बाकी भी समाज में लोगों को ऐसे काम करने चाहिए ताकि लोगों की सेवा की जा सके। और कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने अपनी जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी उसको रिटेन कर लिया है और पिछली बार से इस बार उनका मार्जिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है और ये भोरंज की जो सीट है ये परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, तो उसमें वो उनको कामयाबी मिली है। मैं अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूँ कि वो सीट को रिटेन करने में कामयाब हुए। फोर्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, ये उस स्थान से आए हैं और उन्होंने सिर्फ ये सोचा है कि मेरे साथ आके आपकी सेवा करें। मुझे लालच होता है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वो दिल में टिक्कर से है, वो मेरा लालच है, वो मेरी एक आपके साथ मैं अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता हूँ उसी संकल्प के कारण। 12 पुष्ट पहले हमारी जो है, क्योंकि अदरवाइज ऐसे निकल के आना वहां से, क्योंकि कैंप लगाने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जरूरत नहीं, डॉक्टर के साथ बाकी तामझाम जो तंत्र है वो उसकी व्यवस्था करने के लिए, दवाइयां जो की है
डॉक्टरों को पहचाने की जो यहाँ की व्यवस्था की है वो विजेंद्र राणा जी ने की है और इस संस्था ने की है, और ये संस्था आप में से ही उठी हुई है। जैसे मैंने बताया 30 कैंप है, और मेरे को जो दुख हो रहा है कि मैंने 30 में से सिर्फ 6 ही किए, मेरे को ज्यादा करने चाहिए थे, बिकॉज मैं आप में से एक हूँ और मेरे को ये भगवान ने एक मौका दिया है कि अस्थि रोग में और या पीठ के रोग में या घुटने के रोग में जो कुछ मेरे को आता है उसका जो ज्ञान है उसके बारे में आपको जो कुछ भी बता सकूंगा बताऊंगा।